दूसरे दिन की बात करें तो वैभव ने कई क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। शास्त्री नगर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और सूर सागर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में भी शिरकत की। चुनाव प्रचार के दौरान वैभव गहलोत का जोरदार स्वागत भी हुआ। युवा कांग्रेस नेता और जोधपुर के प्रत्याशी वैभव गहलोत अपने चुनाव प्रचार के दूसरे दिन सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखते हुए पहले रावणा राजपूत समाज के लोगों से मुलाकात की, जहां रावणा राजपूत समाज के लोगों ने पूरी तरह से कांग्रेस का साथ देने का ऐलान किया। बाद में भगत की कोठी स्थित वीर तेजा मंदिर पहुंचे। वैभव गहलोत ने दर्शन करने के साथ जाट समाज के लोगों से भी मुलाकात कर आशीर्वाद लिया और समर्थन मांगा। शास्त्री नगर ब्लॉक कांग्रेस की ओर से आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए वैभव गहलोत ने जोधपुर की जनता और कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का आभार जताया और कहा कि मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आप सभी के सुख और दुख में खड़ा रहूंगा। जोधपुर के विकास की बात करूंगा, जहां आप सभी लोग मुझे चाहेंगे वहां आप लोगों के साथ मौजूद रहूंगा। आप सभी के मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगा। मेरे पिताजी ने जो विकास की गति रखी है, जब जब उनको मौका मिला जोधपुर की जनता के आशीर्वाद से वो 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहूंगा, ये चुनाव आप सबका चुनाव है, आप ही लोगों को संभालना है, चाहे वो ब्लॉक हो चाहे वो वार्ड स्तर हो, आप सभी पदाधिकारियों का चुनाव है, आप सभी कांग्रेस जनों का चुनाव है और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके सुख दुख में आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। जोधपुर के विकास की बात करूंगा, जहां आप लोग मुझे चाहेंगे वहां मौजूद रहूंगा, आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगा। मेरे पिताजी ने जो विकास की गति रखी है, जब जब उनको मौका मिला जोधपुर के आशीर्वाद से, जोधपुर की जनता के आशीर्वाद से वो 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं, 5 बार सांसद रहे जोधपुर से। आपके आशीर्वाद और आपके सहयोग की वजह से वो इन पदों पे जा सके और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों का आशीर्वाद और सम्मान जो मुझे मिलेगा मैं उस पर खरा उतरूंगा। जोधपुर के 40 साल से ज्यादा समय तक कई दायित्व निभाते हुए सेवा करने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने खुद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उन्हीं के पुत्र वैभव गहलोत बताए रास्ते पर चलते हुए जनता का दिल जीतेंगे। जिस तरह वैभव गहलोत अपने संबोधन में बार बार यही कह रहे हैं कि जनता उन्हें जितना प्यार और मान सम्मान दे रही है वो उस मान सम्मान को बरकरार रखेंगे, हमेशा जनता के बीच रहेंगे और जनता के विकास को समर्पित रहेंगे। जोधपुर में विभिन्न चुनावों में जनसंपर्क के दौरान यही सब बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनता से किया करते थे। वैभव गहलोत ने शास्त्री नगर ब्लॉक के बाद सूरसागर क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन में यही बातें दोहराई कि वो जनता को समर्पित रहेंगे। विधायक मनीषा पवार, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सईद अंसारी, सुनील परिहार, काशीराम विश्नोई, हरिंदर सिंह और भगवान सिंह गहलोत के साथ सूरसागर क्षेत्र में जनसंपर्क करने के अलावा कार्यकर्ताओं के आग्रह पर रुक रुक कर सेल्फी खिंचवाने और वैभव गहलोत ने बुजुर्गों के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत ने चुनाव प्रचार के दौरान बकायदा वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से 1-on-1 मुलाकात की और जरूरी फीडबैक भी लिया। वैभव गहलोत ने कार्यकर्ताओं के चुनाव में मुस्तैदी से जुटने का आह्वान भी किया। राजीव गौड़, फर्स्ट इंडिया न्यूज।